Hello everyone, welcome to another vlog. Right now I am going to Sadar. I think Sadar ही जाना है क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी और कुछ कैमरा एक्सेसरीज भी लेना है. सो या होपफुली सदर में भी अभी शायद 4 बज रहे हैं, होपफुली 5 साढ़े 5 बजे तक अगर ट्रैफिक ना हुआ तो पहुँच जाऊँ. इसके बाद आने के बाद इंशाल्लाह रात में कुछ प्लान है जाने का, तो हो तो देखते हैं क्या होता है. फिलहाल तो मैंने आपको जो बताया था कि कैमरे की एसेसरीज लेनी है, जो माइक लेना था इसके ऊपर का, तो कल इस वजह से नहीं जा सका क्योंकि गर्मी काफ़ी टाइट थी. आज थोड़ी कम है, आज अम्मी ने इजाज़त भी दे दी है कि आप चले जाओ. होपफुली देखें कि अच्छा कोई मिलता है तो देखते हैं. और वैसे भी कैमरा भी लेना है, एक ब्लॉगिंग कैमरा, आई थिंक G7X लेना है. इंशाल्लाह वो भी लेंगे, पहले इसका देखते हैं कैमरे का माइक फिट होता है, अगर वो चलता है तो सही है, इसके अलावा वरना फिर दूसरा कैमरा लेना पड़ेगा. होपफुली अच्छा ही होगा. ऑलराइट, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं सदर में. पीस. ऑलराइट गाइस, तो अभी ले लिया है मैंने, इसके बाद फिर अब देखें अभी, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत टाइट हो रहा है तो इस वजह से ब्लॉगिंग इतनी कर नहीं सक रहा मैं. आपको शोर तो दिख ही रहा होगा. तो यार ले लिया है मैंने, और अभी घर जाने के बाद फिर मैं करता हूँ इसका कुछ, क्योंकि दोस्त भी मेरा इंतज़ार कर रहा है. ये ले लिया है फ़िलहाल तो, और दोस्त मेरा इंतज़ार करता है, और नमाज़ का भी टाइम हो रहा है. तो फुली वैन आई रीच होम, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है. ओके यो गाइस, ऑलराइट, सो अभी फ़िलहाल घर आया मैं, काफ़ी थक गया था यार, मतलब ट्रैफिक बहुत हो रही थी. और इसके बाद फिर मैं लो मतलब लाइट चेंज हो गई, खैर एकदम फिर. ऑलराइट, सो इसके बाद फिर मैं घर आया. घर आने के बाद फिर मैंने आपको बताया था कि मैंने कैमरे के लिए माइक लिया है, जाना पड़ेगा. तो ये रहा, कैमरे के लिए माइक लिया है मैंने, वीडियो माइक का, रोड वाले का है, वैसे रोड माइक्रोफोन है. सो यार इसको अभी इंस्टॉल करना है कैमरे में, इसको इस जगह इंस्टॉल करना है, इधर आएगा ये, और फिर इसके बाद इससे ब्लॉगिंग होगी. सो आए देखते हैं, करते हैं इसको इंस्टॉल. ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में, जब तक मैं इसको इंस्टॉल कर लूँ, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करें. ओके ऑलराइट गाइस, सो ये कैमरा कुछ इस तरह से दिखेगा, मेरा व्लॉगिंग कैमरा, मेरा जो न्यू व्लॉगिंग कैमरा है ये है. इसके बाद अभी फ़िलहाल तो मैं अपने फ़ोन से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं इससे व्लॉगिंग करूँगा कि ताकि आप लोगों को आवाज़ सही आए, क्योंकि इसकी जो ये जो विंड प्रूफ होते हैं, ये जो आई थिंक पता नहीं कैसे बाल नुमा है, ये विंड प्रूफ होते हैं, तो इसकी वजह से आपकी आवाज़ आएगी, साफ़ आवाज़ आएगी. होपफुली आप लोगों को व्लॉगिंग अच्छी लगेगी. आई होप न्यू कैमरा कैसा लगा, मैं दिखा नहीं सकता कौन सा मॉडल है, लेकिन कैनन का ही है. इससे अब मैं एक ट्राईपोड भी लेना है अभी फ़िलहाल इसका. ट्राईपोड लेने के बाद तकरीबन गोरिल्ला ट्राईपोड वो आएगा तकरीबन 2000 तक आएगा. ये तकरीबन मुझे मिला तकरीबन $300 का मिला है मुझे, $300, हाँ आई थिंक इतने का ही कुछ हुआ. और फिलहाल यस, तो आज से मेरा न्यू व्लॉगिंग कैमरा ये है. कैमरे को बाय बाय बोलूँगा क्योंकि इसकी आवाज़ क्वालिफिकेशन थोड़ी कम होती है, इस वजह से आप लोगों को शायद आवाज़ का कुछ मसला हो, होपफुली इंशाल्लाह. तो फिर अभी रोज़े का टाइम होने वाला है, तो मिलते हैं रात में. आई थिंक कहीं जाने का हुआ तो मैं आपको बताऊँगा. ऑलराइट पीस. ऑलराइट गाइस, सो कैमरा ऑल डन, साउंड वगैरह का पता नहीं, अभी जब वीडियो में देखूँ तो इसके बाद पता चले. तो अभी तो मैं आईफोन से कर रहा हूँ शूट, तो मुझे ज़रा रिज़ल्ट का बताइएगा कि ये सही है वो जो कैमरा ये पड़ा हुआ, ये सही है. ओके सो 1 2 3. ऑलराइट गाइस, सो मैं इस कैमरे की बात कर रहा था, आई थिंक थोड़ा ऑलराइट, मैं इस कैमरे की बात कर रहा था, इससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ. आईफोन रख दिया मैंने, तो आई थिंक इसकी आवाज़ वगैरह ज़्यादा, क्योंकि इसके ऊपर माइक भी लगा हुआ है, आई थिंक ये सही होगा.
मुझे भी लग रहा है क्योंकि इसकी पिक्चर क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी होगी बनिस्बत कैमरे के, और साउंड इफेक्ट भी उसका ज़्यादा अच्छा हो, इसका ज़्यादा अच्छा होगा बनिस्बत उसके। ऑल राइट, तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू सम काइंड ऑफ रेस्टोरेंट्स, कुछ चीज़ें देखते हैं बाहर, इसके बाद आपको बताता हूँ कि मैं किधर जाता हूँ। कुछ खाने का देख रहे हैं फ़िलहाल तो बाहर। ऑल राइट, तो मिलते हैं व्हेन आई रीच, यहाँ मैं पहुँचा। ऑल राइट, पीस। ऑल राइट, राइट नाउ इधर फिलहाल हम पिज़्ज़ा स्पाइस पे हैं। ओहो, बहुत शोर है लेकिन यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत मशहूर हैगा, आई थिंक बहुत चीप हैगा, तकरीबन 300 रुपये का है, इतना ज़्यादा खास नहीं है, 350 का है, इतना ज़्यादा खास मतलब सही है। अगर आप उसको मैनेज करेंगे पिज़्ज़ा हट या डोमिनो वगैरह से, तो फिर उसकी नस्बत तो फिर आपको पता है वो एक्सपेंसिव है। ये ठीक है, कॉपीराइट ना लगे मुझे इस सॉन्ग पे, खैर है वैसे। और राइट, तो अगर मैं दिखाता हूँ आपको कैसा है पिज़्ज़ा, 350 रुपये में इतना मतलब कि क्या, और क्या इसकी जान लेंगे क्या पिज़्ज़े की। और राइट, जब वो आता है फिर बताता हूँ आपको। तो ये पिज़्ज़ा है बेसिकली, मतलब कि इतना बुरा भी नहीं है वैसे, इसके बाद सही है। राइट गाइस, तो फिलहाल अभी थोड़ा हाल है, इसके बाद फिर बात करते हैं। ओके, मतलब पिज़्ज़ा अच्छा है, इतना इतना खास, मतलब 300 रुपये में आपको और क्या चाहिए। ऑलराइट, फिर खाने से बात करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो अभी पिज़्ज़ा खा लिया, मतलब सही था, बेहतरीन था, पूरा चट कर गया भाई ये तो। ऑलराइट, सब ख़त्म है, अभी घर जाता हूँ, घर जाने में ब्लॉग रैप अप करता हूँ। आई थिंक आपको बनाने आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही, इसके बाद घर जाके ब्लॉग रैप अप करता हूँ। ऑलराइट, सो अभी मिलते हैं घर वाले शॉर्ट पे। ऑलराइट गाइस, हियर आई रैप अप माय ब्लॉग, आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, मेक श्योर कीजिएगा इसको सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कीजिए। ऑलराइट, तो आपको बता देता हूँ कि मैं कैसे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ये से ब्लॉग कर रहा था मैं। ऑलराइट, मेक श्योर कीजिएगा आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर। ऑलराइट, फिर कर लेते हैं, अल्लाह हाफिज़।